नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए खास खबरों को हमारे साथ, चैनल करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। सिक्कर NH-52 स्थित स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह बडाडर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जानकारी देते हुए संस्था निदेशक रामनिवास ढाका ने बताया कि 68वीं जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में 19 वर्ष बालक फुटबॉल एवं 14 वर्ष बालक बालिका तीरंदाजी, 14 वर्ष बालक बालिका तैराकी जिला स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन एक साथ किया गया है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि SDM पावटा कपिल उपाध्याय रहे, जबकि अध्यक्षता लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्था संरक्षक जोर सिंह ढाका, SK कॉलेज सिक्कर प्रोफेसर अशोक महला, महेश गढ़वाल, दीनदयाल रहे। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत समारोह में अतिथियों को संस्थान निदेशक रामनिवास ढाका, चेयरमैन सुरेंद्र सिंह, सह निदेशक गोपाल सिंह, प्रधानाचार्य एवं प्रतियोगिता संयोजक विजेंद्र सिंह ने माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात अतिथियों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के मार्च फास्ट की सलामी लेकर ध्वजारोहण की प्रतियोगिता का आगाज किया। इसके पश्चात खिलाड़ियों को शपथ ग्रहण करवाकर मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता के विधिवत उद्घाटन की घोषणा की। फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रथम उद्घाटन मैच का मुख्य अतिथि ने फुटबॉल का किक मारकर शुभारंभ किया। वहीं तीरंदाजी में तीर चलाकर तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ करवाया। वहीं तैराकी में मुख्य अतिथि ने ऑन द मार्क विसल बजाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। इन पांचों प्रतियोगिता में स्थानीय विद्यालयों की टीमों के अलावा अन्य विद्यालयों की कुल 84 टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में केशवानंद ग्रुप की 9 टीमें भाग ले रही हैं, जबकि 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम समूह में खेलों में केशवानंद ग्रुप की 28 टीमें, द्वितीय समूह के खेलों में 42 टीमें, तृतीय समूह के खेलों में 28 टीमें व चतुर्थ समूह के खेलों में 8 टीमें, कुल मिलाकर 106 टीम इस खेल प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इस अवसर पर संस्थान में एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों का जवाब देते हुए संस्था निदेशक रामनिवास ढाका ने बताया कि इस वर्ष संस्थान में विभिन्न खेलों की 15 जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जबकि एक राज्य स्तरीय फुटबॉल 19 वर्ष छात्र प्रतियोगिता का आयोजन संस्थान में किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 17 सितंबर से आयोजित होने जा रही है, जिसमें राज्य भर में कुल 51 टीमें भाग लेंगी, जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागियों सहित निदेशालय बीकानेर व जिला शिक्षा से अधिकारी सिक्कर से नियुक्त लगभग 200 कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। संस्थान पूर्व में भी फुटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका व 17 व 19 वर्ष बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता एवं 17 व 19 वर्ष बालक बालिका तैराकी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का सफल आयोजन करवा चुका है केशवानंद शिक्षण संस्थान। 2017 से अब तक केशवानंद ग्रुप के खिलाड़ियों ने कुल 5000 से अधिक मेडल जीते हैं, जो एक ऐतिहासिक बात है। गत 7 वर्षों में 1000 से अधिक खिलाड़ी राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं, 300 से अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित हुए हैं, 70 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं, 11 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी गौरव की बात है केशवानंद शिक्षण संस्थान व इनके परिवार के द्वारा, भारत के लिए, समाज के द्ववारा। देखते रहें झलको शेखावटी, चैनल को सब्सक्राइब। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आगाज सीकर में आज केशवानंद से हुआ, जबकि ये सभी पूरे राजस्थान के अंदर इन प्रतियोगिताओं का आज से ही आगाज हुआ है। ये 8 तारीख से प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं और ये प्रतियोगिताएं अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलेंगी। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान में अकेले में ही 14 वर्ष, 17 वर्ष और 19 वर्ष की शिक्षा विभाग की 15 SGFI की खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इसके अलावा एक स्टेट लेवल की प्रतियोगिता स्वामी केशवानंद में हो रही है। कुल 16 प्रतियोगिताएं हम यहां पे करवा रहे हैं और खेलों के अंदर सीकर का प्रभुत्व जमे, सीकर शिक्षा नगरी के साथ साथ खेलों की नगरी के रूप में जाना जाए, ये इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना और यहाँ से खिलाड़ी निकल के जाके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, ये हमारा
केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह का उद्देश्य है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अब तक जो पिछले 5 सालों में यहां से निकले हुए 11 प्लेयर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत की तरफ से खेलते हैं, और नेशनल लेवल पे खेलने वाले बच्चों की संख्या अब तक पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा है। स्टेट लेवल पे खेलने वाले बच्चों की संख्या पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा है, और जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल जीतने वाले बच्चों की संख्या पिछले 5 साल में 5000 है। तो ये खेलों में एक अलग एटमोस्फियर जो है वो कायम करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, और उसमें हम सफल हो रहे हैं, और निश्चित रूप से खेलों का वातावरण शिक्षा नगरी सीकर के अंदर बन रहा है। खेल होते थे उनमें प्राइवेट स्कूल की कोई एक या दो स्कूल की वहां पे उपस्थिति होती थी। आज आप यहां पे टूर्नामेंट चल रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे प्राइवेट स्कूल की 70% उपस्थिति है, यानी 100 टीमें आई हैं तो उसमें से 70 टीमें प्राइवेट स्कूल्स की हैं, यानी प्राइवेट स्कूल वालों ने पीटीआई रखना शुरू कर दिया है। तो एक रोजगार का अतिरिक्त अवसर भी एक पूरी सोसाइटी के लिए बड़ा है, वरना पीटीआई नहीं होता था, पीटीआई के कागज होते थे जिससे प्राइवेट स्कूल में। तो दूसरी बात ये तो रोजगार की बात आई है, रोजगार के अलावा भी हम लोग बात करें तो आज सीकर पूरे राजस्थान के टूर्नामेंट, स्टेट के टूर्नामेंट होंगे, जिला स्तरीय टूर्नामेंट होने के बाद उसके बाद आप देखोगे कि पूरे राजस्थान में 33% स्पोर्ट्स पे अकेले सीकर का कब्जा है, 33% मेडल अकेला सीकर लाएगा पूरे राजस्थान में से। इसका भी परिणाम ये जो सब लोग पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आप लोगों ने उसको कवरेज दिया, और कवरेज जब मिलता है तो हर माँ बाप हर पेरेंट्स के बीच में ये आता है कि मैं मेरे बच्चे को भी स्पोर्ट्स करवाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे को नाम मिल रहा है। सारा काम नाम के ऊपर चलता है, हर आदमी नाम के लिए आगे बढ़ता है। पैसा दूसरी दो नंबर पे। बाबा नारायण दास ग्रुप ऑफ एजुकेशन नीम का थाना, ITI, BEd, BSTC, BA करे अनुभवी शिक्षकों के साथ।